सो हेलो जी, की हाल चाल सारे अनु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना छोटा भाई साहिल, एंड आज है भाई 29th of July, एंड कल आने वाला है मेरे कश्मीर वाला व्लॉग, और ये वाला व्लॉग आएगा मेरा परसों। मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा था, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो झंस्कार वाली सीरीज़ जो अपलोड करी है, उसमें कई वीडियो में मेरे को बहुत अच्छा प्यार मिला है, कई वीडियो में कुछ भी प्यार नहीं मिला, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। एंड अभी कुछ टाइम से मेरे पास मैसेजेस आने लगे हैं कि भैया प्लीज़ व्लॉगिंग करो, व्लॉगिंग करो, आपके व्लॉग्स हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं अच्छे लगते। एंड कोई बात नहीं जी, आज अपन व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, और आई होप आप जितना मुझे प्यार दोगे, मैं ट्राई करूँगा हायाबुसा पे मैं आपको डेली व्लॉग्स दूँ, या हिमालयन पे आपको डेली व्लॉग्स दूँगा, बट स्टिल इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, बट जितना मेरे को कर सकते हो आप प्लीज़ कीजिए, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से अच्छे आपको व्लॉग्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ, अच्छी वीडियोज़ आपको दिखा सकूँ, अच्छी वीडियोज़ आपको दिखा सकूँ, क्या नया कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा वो सब आपको दिखा सकूँ, तो बस आपके थोड़े से प्यार की ज़रूरत है मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ने लग जाएं और मेरे व्यूज़ अच्छे आने लग जाएं। सो आई होप कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा, आपको व्लॉग्स नहीं बीच में रुकेंगे। अभी चल रहे हैं अपन घर पर, मैं यहाँ से फ्री हो चुका हूँ, मेरे को आज हायाबुसा वॉश करनी है। हायाबुसा के लिए मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, क्लीनिंग के लिए, चैन क्लीनिंग के लिए, बॉडी क्लीनिंग के लिए, तो प्लीज़ इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहना, आपको सब पता लग जाएगा कि मैं कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, शायद क्या पता आपके लिए हेल्पफुल हो, आप अपनी बाइक कार और किसी भी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज चलो आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, तो चलो जी मिलते हैं सीधा आपको हायाबुसा के साथ। सो हाँ जी, अब बात कर रहे थे अपन कि क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करने वाला हूँ मोटो मक्का, ये जो है भाई बहुत अच्छा क्लीनर है, नो एफर्ट प्रोडक्ट। ये कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। चैन क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एसविक, एसविक ये बहुत अच्छा ब्रांड है भाई सच में, डॉक्टर विक सॉरी, S1000 इसका, S100 इसका कोड नेम है, और ये काफ़ी अच्छा भाई चैन क्लीनर है। और चैन वैक्स मैं यूज़ करता हूँ भाई मैक्सिमा का, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये है इसका बॉडी सिलिकॉन स्प्रे, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा, इससे जो बाइक पे शाइन आती है ना, डेट वाज अमेजिंग, एंड दिस इज़ द टायर शाइनर। एंड लास्ट में अपन यूज़ करने वाले हैं भाई WD-40। सो भाई WD-40 यूज़ आता है एक्चुअली जब आपकी बाइक में आप जब क्लीनिंग वगैरह करके सब हटते हैं, तो डर रहता है कि कहीं जंग वगैरह ना लग जाए, तो उसके लिए यूज़ आता है। तो चलो जी अब कोल्ड स्टार्टअप करते हैं बाइक का, और ये रही भाई अपनी बाइक, इसको मैं ज़रा बाहर निकालता हूँ, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, पूरा आपको दिखाता हूँ, पहले चैन क्लीन करेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, देन आफ्टर आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करने, कौन कौन से प्रोडक्ट और कहाँ। सो लुक एट द भाई भूसा मेरी कितनी गंदी हो रखी, खास करके चैन वाला एरिया देखो भाई, फुल गंदी हो रखी है। तो इसलिए भाई मैं सजेस्ट नहीं करता कि मानसून के टाइम पे आप सुपर बाइक चलाओ, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो बड़ा दर्द होता है भाई। ये देखो पहले मैं करता हूँ चैन क्लीन, क्योंकि चैन में सबसे ज़्यादा टाइम लगना है, और चैन बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, आपको दिख ही रहा होगा, तो चलो चैन साफ कर लेते हैं पहले। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ S100 चैन क्लीनर। लुक एट दिस चैन, बिल्कुल ब्रांड न्यू निकल चुके हैं चैन, और बाइक का ब्रांड न्यू निकलना भी बाकी है, तो चलो साथ में वॉश करते हैं, 1 2 3। चलो जी पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ ये मोटो मक अपनी भूसा के ऊपर, कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपको ये स्प्रे करना है अपनी बाइक के ऊपर, खास करके जहाँ आपका प्लास्टिक और लोहे का आयरन का पार्ट हो वहाँ पर, और डाल के आपको 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, उसके बाद भाई इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, जितनी भी डस्ट मिट्टी है, जो भी आपके खरोचेस वगैरह हैं लाइटली, तो वो सब ऑटोमेटिक निकल जाएंगे सिर्फ वॉश करने से।
और यहाँ आपको अगर दिख रहा हो तो भाई मैंने ये मोटो मग का जो इजी क्लीनर है वो मैंने यहाँ डाल दिया है पूरी बॉडी पे, अगर आपको ये दिख रहा हो तो। लिया है मैंने एक भाई माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिसको बहुत लाइटली मैंने गीला कर लिया है। और अब आपको करना क्या है, जस्ट हल्के हाथ से इसके ऊपर ऐसे ऐसे इसको मतलब पूरी बॉडी पर रब करना है, ये जो अपन ने मोटो मक्का लगाया है, बहुत लाइटली हाथ से लगाना है आपको, बस ये रब करना है इसके ऊपर। सो जस्ट लुक एट दिस, मैंने अपर बॉडी पर ही सिर्फ मोटो मक मारा था क्योंकि नीचे है ज़्यादा मिट्टी, तो क्यों इतना महंगा प्रोडक्ट इस चीज़ में ख़राब करें। यहाँ अपन शाइनेक्स प्रो के शैम्पू के साथ इसको वॉश करेंगे। और अपर बॉडी आप देख सकते हो मैंने इसको मोटो मग से क्लीन कर दिया है, अभी तो वॉश होगी, देन उसके बाद आपको प्रॉपर शाइन का पता लग पाएगा। नीचे से सारा कुछ साफ कर चुका हूँ शैम्पू से, अब बस पानी लगाना बाकी है। ये शैम्पू था, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, अगर आपको ये दिख रहा हो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। सो नाउ इट्स टाइम टू वॉश। सो फाइनली भाई वॉश हो चुके है बाइक, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सच में। एंड अभी तो भाई साफ भी करनी है, फिर उसके बाद पॉलिश भी करनी है, ओ माई गॉड। सो नाउ आई एम शोइंग यू WD-40 किस काम और कहाँ कहाँ काम आने वाला है। सो चलो जी, ये होता है बेसिकली यार, देखो कहीं जंग रस्ट ना लगे। और जैसे कि ये है, अभी इसमें पानी ज़रूर से गया होगा, तो हमें इसके अंदर ज़रूर करना है लॉक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ जो है रस्ट जल्दी पकड़ता है, जंग लग जाएगी, जंग लगने के बाद लॉक जाम्स हो जाएंगे, तो उससे बेटर है कि आप उससे पहले उसकी काम करके चलो। और यहाँ एक इसका डिग्गी का लॉक, एंड ये जो साइड पैडल्स होते हैं इसमें भी बहुत अच्छे से करना है आपको, एंड उसके बाद एक बार दो बार ऐसे भी कर देना। इसकी गियर स्टिक पर करना है। सो हाँ जी गाइस, कल के लिए सॉरी यार, मैं व्लॉग पूरा नहीं कर पाया। व्लॉग इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ चला गया, तो उसकी एक्चुअली गाड़ी के सस्पेंशन ख़राब हो गए थे, तो वो मेरे को लेके गया था यार साहिल, यार साथ में चलते हैं यार, दिखवा के आते हैं क्या दिक्कत है। तो मैं वहाँ बिजी हो गया था, देन उसके आने के बाद मैं जिम चला गया था, जिम के आने के बाद फिर मैंने हेयर कट वगैरह लिया, उसके बाद मैं बिजी हो गया। एंड हमने उस पर दो प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, वन ऑफ द टायर शाइनर एंड वन ऑफ द सिलिकॉन पॉलिश। वो क्यों यूज़ नहीं किया मैं आपको बताया था, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ भाई 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर, बाइक। सो इसे मैं पार्क करके जाऊँगा, तो पता है बॉडी पॉलिश करने के बाद यार ना मिट्टी वगैरह बाइक पर लग जाएगी ज़्यादा, तो इसलिए अभी मैं पॉलिश वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ना टायर पॉलिश करिए ना बॉडी पॉलिश करिए, वो मैं आके करूँगा। एंड आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।